आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे स्नैक की रेसिपी जो बड़े बच्चे सब खा सकते हैं, और इसे हम बनाएंगे एकदम हेल्दी तरह से। पास्ता की ये रेसिपी है, और इसके लिए आप एकदम अच्छा वाला पास्ता यूज़ करें, सूजी वाला, तो आपकी जो रेसिपी है और भी हेल्दी बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए पास्ता। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बटरफ्लाई शेप वाला पास्ता, क्योंकि ये फ्लैट होता है, पतला होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला या फिर स्पाइरल या मैक्रोनी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी वाली यूज़ करें, ताकि वो अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो सबसे पहले हमें पास्ता को पकाना है। पानी उबालने के बाद थोड़ा नमक डालें, और जो भी पास्ता के पैकेट पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है 10 मिनट 12 मिनट उसके हिसाब से बॉईल करें। अच्छी क्वालिटी का पास्ता यूज़ करें, जैसे मैं यहाँ पे एक सूजी वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ, ये मैदे का पास्ता नहीं है। जब पास्ता पक जाए तो तुरंत आप इसे निकाल कर छान लें। पास्ता छानने के बाद आप इस पर ठंडा पानी डालें, ताकि ये और पके ना। तो हल्का सा ठंडा पानी डालें, इस तरह से टॉस करें, या फिर इस पास्ता को आप एक ठंडे पानी के बोल में डाल के फिर से छान सकते हैं। हम इस पास्ता को डीप फ्राई नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा तेल हमें चाहिए, तो 1 से 2 टीस्पून तेल आप डालें और पास्ता पे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ऐसे आप टॉस कर सकते हैं, या फिर चम्मच से, या हल्के हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने कर रही हूँ एयर फ्राई, तो एयर फ्रायर में जाएगा थोड़ा सा पास्ता, बहुत मोटी लेयर ना बनाएं, ताकि पास्ता अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हल्का सा नमक डाल दें। मैं पास्ता चिप्स को एयर फ्राई कर रही हूँ 200 डिग्री सेल्सियस पर पहले 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो पहले ही 10 से 12 मिनट के लिए इसे लगा सकते हैं, लेकिन बीच में खोलकर टॉस करें। मैं गलती से भी भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही 7 मिनट का टाइमर सेट किया है। 7 मिनट खत्म होने के बाद मैंने मिक्स किया। अब नेक्स्ट मैं फिर से सेट कर रही हूँ टाइम 9 मिनट्स। अब इन 9 मिनट्स के बीच में भी मैं इसे बाहर निकाल के मिक्स कर रही हूँ। ये एक ज़रूरी स्टेप है, ऐसा करने से सारा पास्ता जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो सारे के सारे पास्ता चिप्स रेडी हैं। कुछ थोड़े से ब्राउन हैं, कुछ हल्के गोल्डन कलर के हैं, बट सारे के सारे क्रिस्पी हैं। मसाले के लिए एक बोल में डालें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला और चीज़ पाउडर। चीज़ पाउडर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। पास्ता एयर फ्राई करते समय आपने जितना नमक डाला है उसके हिसाब से ही आप मसाले में नमक डालें। अब पास्ता डाल के अच्छे से मसाला मिक्स कर लें। पास्ता बना नहीं, शूटिंग फिनिश हुई नहीं, और राहिन ने हाजिर, वो वेट कर रहा है कि उसे मिलेगा। रुको रुको, मैं देती हूँ, तुमको चाहिए अभी एक एक ले लो, एक वन, बाकी बाद में देती हूँ, ओके? हेल्दी डिप बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून दही। तो दही एकदम गाढ़ा वाला लें। इसमें डालें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, एकदम मामूली, और पिज्ज़ा का जो मिक्स आता है, सीजनिंग आती है पिज्ज़ा पास्ता वाली, वो डालें, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को आप हो सके तो विस्क से मिक्स करें। ऐसा करने से जो ये डिप है काफ़ी स्मूथ बन जाएगी। अब टेस्ट करके आपको कुछ भी इसमें एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ये रेडी है। इस पर आप फाइनली थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, पर अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेयो नहीं है, चीज़ नहीं है, फिर भी ये जो डिप है बहुत टेस्टी बन जाती है। तो इस तरह से आप एकदम हेल्दी स्नैक बना सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी अपने साथ आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।